BJP reacted sharply to Congress leader Kapil Sibal's remarks that the BJP was responsible for Pakistani terror outfit Jaish-e-Mohammad. Union Minister Ravi Shankar Prasad says the Congress is just giving ammo to ISI to defame and attack India even further. If the irresponsible comment of Rahul Gandhi yesterday was not only regrettable but shameful, the justification offered today by the Congress press conference crossed all limits of shameful conduct. जब देश को एक स्वर में लड़ना चाहिए तब इस तरह की बातें की जाती हैं क्या? ये शोभा देता है क्या? और वो भी ऐसी पार्टी को जो नेहरू इंदिरा गांधी की विरासत का दावा करती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। What does Congress party mean by saying that the BJP created Jaish-e-Mohammad? Congress party इसका मतलब समझते हैं आप? आज तो कांग्रेस के इस वक्तव्य पर सबसे अधिक खुश आईएसआई होगी और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। एंड टुडे पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड फॉर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप इंक्लूडिंग जैश ए मोहम्मद, क्योंकि ये सब आईएसआई के प्रोत्साहन से चलते हैं। कांग्रेस पाकिस्तान के शासकीय तंत्र के कुछ एलिमेंट्स का उन पर पेटर्नेज रहता है और उसको कांग्रेस पार्टी के मंच से कहा जा रहा है बीजेपी ने बनाया है। इस गैर जिम्मेदारना वक्तव्य का मतलब समझती है कांग्रेस पार्टी कि आज जैश ए मोहम्मद को कितना बड़ा हैंडल दे दिया उन्होंने।